आसिर, मैंने ये तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाया है, इसे ट्राई करके देखो। मुझे ये सब कुछ नहीं पहनना है। क्यों पसंद नहीं आया? चलो तुम शॉप चले जाओ, अपनी पसंद का कोई जोड़ा ले लेना, लेकिन जल्दी करो, वो लोग आ जाएंगे। मॉम, आपको सब कुछ मालूम है, इसके बावजूद भी आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? देखो तुम ट्राई तो करके देखो, हो सकता है तुम्हें ये अच्छा लगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम पे अच्छा लगेगा। मॉम, अच्छा फिर तुम्हें जो पसंद हो वो पहन लो, लेकिन तैयार हो जाओ, वो लोग कभी भी आ जाएंगे। मुझे बहुत सारे काम करने, मैं जा रही हूं। मॉम, आप सुन क्यों नहीं रही हैं मेरी बात को? क्योंकि मैं सुनना नहीं चाहती। आपका यही मसला है ना, आप डैड के साथ भी ऐसे ही करती थी, इसीलिए तो वो चले गए सब कुछ छोड़ छाड़ के। अच्छा अब मैं बुरी हो गई, ठीक है, तुम्हारे बाप ने जो सुलूक मेरे साथ रखा उसकी जिम्मेदार मैं ही हूं ना? सही है, मैं ही गलत हूं। मेरा मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा था। तो फिर और क्या कह रहे हो? यही कह रहे हो ना कि मैं तुम पे जोर जबरदस्ती कर रही हूँ? मॉम, आप क्यों मुझे अंधेकुएं में ढकेल रही हैं? आपको पता है डॉक्टर क्या कह रहा था? क्या कहा है डॉक्टर ने? पता नहीं ये लोग क्यों औरतों को मर्दों के लिए हवा बना देते हैं। जहां देखो, जिधर देखो, अखबार में, रिसाले में, दीवारों पे पता नहीं क्या क्या नाप छाप लिखा हुआ होता है। तुम्हें लगता है ये मसला सिर्फ तुम्हारे साथ है? जाओ पूछो अपने दोस्तों से, जाओ पूछो इस मुल्क के 90% मर्दों से, क्या वो अपने आप को मुकम्मल महसूस करते हैं? ये सब नफ्सियाती दबाव की वजह से है। वो लोग ऐसा जानबूझ के करते हैं ताकि तुम जैसे उसे पैसे ऐंठ सके। मुझे नहीं मालूम कि आप किन लोगों की बात कर रही हैं मॉम, लेकिन मुझे मालूम है कि ये मेरा मसला है। ये मसला तुमने बनाया हुआ है। अरे मॉम, आप क्यों चाहती हैं कि मैं शादी करूं? जब मैं नहीं चाहता कि मैं शादी करूं तो क्यों चाह रही हैं आप? तो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें नामर्द बोले? मॉम, बुरा लगा ना? लगा ना? इसीलिए कह रही हूं कि तुम शादी कर लो, वरना कल को सब तुम पे इसी तरह उंगलियां उठाएंगे। वो मेरा मसला है, आपका नहीं। कोई कुछ भी कहे, तुम्हारा मसला मेरा मसला है। तुम्हारा बाप कहता था कि मैंने तुम्हें पल्लू में बांध के रखा हुआ है, तुम्हारी तबाही तुम्हारी बर्बादी की वजह मैं हूं, मैंने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, तो तुम उसे सही साबित करना चाहते हो? सही कह रहे थे, ये आपकी अना का मसला है। एक बात बताऊं, आप बहुत खुदगर्ज हो रही हैं अब। ठीक है, तुम सही कहते हो, मैं खुदगर्ज हूं, मेरी अना का मसला है। तुम्हारा बाप भी ठीक कहता था, तो फिर क्यों बचाया था उस दिन मुझे जब मैं मर रही थी? क्यों रोका मुझे? मरने देते ना। अरे क्यों दोहरा रही है मॉम? मेरा उस सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं था, वो आपकी जिंदगी, ये मेरी जिंदगी है। क्यों थोप रही हैं अपनी चीजों को आप मुझ पर, मेरी जिंदगी पर? ठीक है, मैं भी उस दिन सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी थी। सोचा था मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, लेकिन अब मेरे बच्चों को तो मेरी जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, तब तो मैं बच गई थी, मगर आज मैं नहीं रुकूंगी। मैं आज जहर खा के मर जाऊंगी, उसके बाद जो दिल में आए करते रहना। मॉम,